हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। अब हम करने जा रहे हैं सेक्रेटेरियल ऑडिट। सेक्रेटेरियल ऑडिट में अब हमारे सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, जहां पर हम बातें करेंगे दोस्तों कंपनी सेक्रेटरी की। कंपनी सेक्रेटरी जो कि सीएस यानी कहलाता है, आईसीएसआई से अपनी सीएस के पेपर पास करने के बाद, जो भी रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है उसको पास करने के बाद वो एक कंपनी सेक्रेटरी बन जाता है। अब भैया, जैसे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम था, वो भी या तो प्रैक्टिस करेगा या जॉब करेगा। प्रैक्टिस करेगा तो सीओपी लेना पड़ेगा उसे आईसीआई से। बिल्कुल वैसे ही अगर कोई कंपनी सेक्रेटरी अपनी प्रैक्टिस शुरू करना चाहता है, उसे क्या करना पड़ेगा? उसे लेना पड़ेगा सीओपी यानी सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, कि जी मैं प्रैक्टिस करूंगा, मैं तो कहीं जॉब नहीं करूंगा। इसका मतलब यह हुआ कि यही वो व्यक्ति है जो सेक्रेटेरियल ऑडिट करने के लिए सही व्यक्ति है। यानी सेक्रेटेरियल ऑडिट एक कंपनी सेक्रेटरी का काम है नंबर एक, और हर कंपनी को कराने की जरूरत नहीं है। कंपनीज एक्ट ने डिफाइन कर दिया भैया, इन लोगों के लिए ये कंपलसरी है, तो उसके बारे में बातचीत करेंगे। सो बेसिकली इस व्यक्ति को करना क्या है? हम ये जानते हैं कि आज की डेट में कंपनीज एक्ट में बड़ी तेजी से चेंजेस आते जा रहे हैं, और कंपनीज एक्ट के साथ साथ रूल्स अलग से लग गए हैं, राइट? उन रूल्स के हिसाब से ये सारे के सारे काम होते हैं। इस डायनेमिक सब्जेक्ट के अंदर आज की डेट में इतने सारे चेंजेस हैं कि भैया जो कंपनी चला रहे हैं उनको तो इनके बारे में मालूम ही नहीं होता, क्योंकि वो भैया बिजनेस करेंगे या इनको देखेंगे। इन सब कामों को करने के लिए उन्होंने एक कंपनी सेक्रेटरी को हायर कर लिया। अब कंपनी सेक्रेटरी जिसे उन्होंने हायर किया है, वो इंटरनल जितनी भी लॉज की रिक्वायरमेंट है, भैया बोर्ड मीटिंग होनी है, एजीएम होनी है, हर जगह कंपनी सेक्रेटरी का रोल है, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल एंड। इतने सारे फॉर्म्स जाने होते हैं, इतनी सारी रिपोर्ट जानी होती है, सब जगह उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन सवाल यह आता है, क्या वो कंपनी सेक्रेटरी या उसके साथ उसकी जो टीम है, क्या पूरी तरह से सेक्रेटेरियल रिक्वायरमेंट को पूरा कर भी रही है? क्या वो पूरे प्रॉपर रिकॉर्ड्स बना रहे हैं? मिनट्स बनाने की ड्यूटी इन्हीं की होती है, राइट? मीटिंग होती है तो उस मीटिंग में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड क्या क्या हुआ, उसकी पूरा उसका पूरा लेखा जोखा होता है, क्या क्या डिसीजन लिए, कैसे कैसे वो डिसीजन हुआ, कब मीटिंग हुई, सब चीजें मिनट्स में लिखी जाती हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म्स आते हैं, जैसे मान लो कोई डायरेक्टर बन रहा है, तो भैया आप डायरेक्टर को थोड़ी पता है कि मुझे क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट सारी की सारी मुझे ही करनी है, तो कंपनी सेक्रेटरी उन्हें बताता है जी। फिर एक्सपीरियंस होने के साथ साथ डायरेक्टर्स को भी पता लग जाता है। लेकिन कोई व्यक्ति पहली बार डायरेक्टर बना तो उसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी उसको फॉलो करनी है, जो लॉज उसको फॉलो करनी है, लीगल रिक्वायरमेंट जो है जनरली उसे पता नहीं होती। तो ऐसे पर्टिकुलर केस में हमारे इसी तरह के कंपनी सेक्रेटरीज का रोल आता है। अब वो जो लोग हायर किए हुए हैं भैया, उन्होंने सारे के सारे काम ठीक किए या नहीं किए, इसे कौन चेक करेगा? तो इसीलिए एक एक्सटर्नल ऑडिटर की रिक्वायरमेंट है, जो कि एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, पीसीएस। तो वो व्यक्ति जिसने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया हुआ है, वो एक एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह सेक्रेटेरियल जितने वर्क हैं उनकी ऑडिट करेगा। तो जैसे एक एक्सटर्नल ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स देख रहा था, ये खाली फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स नहीं देखेगा, ये कई तरह के रिकॉर्ड्स देखेगा जो कि सेक्रेटेरियल ऑडिट से जरूरी है, जो कि कंपनी सेक्रेटरी के डेली के काम होते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये किन किन के लिए होता है, किस कंपनी को ये काम करना है, कौन ये सेक्रेटरियल ऑडिटर बन के आएगा, कौन करेगा, ये सब बातें दोस्तों हम यहां पर सीखेंगे, राइट? सो मीनिंग सबसे पहले पढ़ लिया जाए, क्या मीनिंग है इसका। सेक्रेटरियल ऑडिट इज अ प्रोसेस टू चेक कंप्लायंस। कौन सी कंप्लायंस? वो कंप्लायंस करनी है जो कि हमें लॉज ने बताई है, विद द प्रोविजन ऑफ वेरियस लॉज एंड रूल्स, रेगुलेशन एंड प्रोसीजर्स रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स एंड अदर रिकॉर्ड्स। तो खाली बुक्स नहीं होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं खाली, फाइनेंशियल नहीं, और भी। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट में जो जो लॉ की रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करनी पड़ेगी, उसके अलावा क्या? इसमें ये एक ऐसा मैकेनिज्म बन जाता है जो कि साफ बताएगा जी कंपनीज एक्ट के द्वारा बताई गई सारी रिक्वायरमेंट क्या पूरी हुई है। अगर कोई नॉन कंप्लायंस है तो पहले तो ये उसे डिटेक्ट करेगा, सेक्रेटरियल ऑडिट का काम ही यही है कि भाई आपने ये काम नहीं किया, उसको डिटेक्ट करेगा और फिर उसके लिए करेक्टिव मेजर्स बताएगा जी आप ये काम कर लो। तो यही सेक्रेटरियल ऑडिटर का काम होता है, और सेक्रेटरियल ऑडिट इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। थोड़े समय पहले तक ये किसी के लिए भी कंपलसरी तो थी नहीं,
राइट लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब ये नया कंपनीज एक्ट आया तो इसमें कुछ बातें उसके लिए बताई गई, सेक्शन 204 आएगा, देखेंगे बात करेंगे उसके बारे में। सो हु कंडक्ट्स सेक्रेटरी ऑडिट, ये मैंने आपको बता दिया कि एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल होना चाहिए। इंडिपेंडेंट तो तभी होगा जब यहां का एम्प्लॉई नहीं होगा, और ये जो व्यक्ति है जो कि इंडिपेंडेंट पर्सन है कौन होना चाहिए, ये प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होना चाहिए। सो ये वो व्यक्ति है जिसको सारे के सारे कंप्लायंस पूरे करने हैं, जिसको इसकी नॉलेज हो, इंश्योर करेगा कि भैया पूरे लीगल एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट ड्यू प्रोसेस के साथ पूरी तरह से निभाए गए, वो कंप्लायंस हो गया। अब ये जो इंडिविजुअल पर्सन है, ये जो इंडिपेंडेंट पर्सन आ रहा है, इसकी क्वालिफिकेशन क्या चाहिए भैया, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी यानी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस होना चाहिए, वो ये रोल अदा करेगा। और कंपनी सेक्रेटरी कैसे बनेगा, कंपनी सेक्रेटरी एक्ट है 1980, उसके अंदर पूरा बताया गया कि ये काम आपको करने होते हैं, कैसे आप सीएस बनते हो, बहुत सारी चीजें उसमें होती हैं। अब अगर आपने ये कंपनी सेक्रेटरी से ऑडिट करवा ली तो भैया समझ लो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान हुआ। हम जब वैसे नॉर्मल ऑडिट की बात करते थे तो बातचीत करते थे कि भैया ये तो बेसिकली शेयर होल्डर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है। फिर इंटरनल ऑडिटर की बात आई तो भैया उसका सपोर्ट मैनेजमेंट को भी रहता है, मैनेजमेंट भी चाहती है कि हमारे सारे काम सही हो। सेक्रेटेरियल ऑडिट तो भैया ये डायरेक्टर्स को भी बचाती है, मैनेजमेंट को भी बचाती है नॉन कंप्लायंस करने से, साथ में ये जो ओनर्स हैं उनको भी बचाती है। तो बेसिकली देखा जाए तो ये तो भैया सबके लिए फायदेमंद है, डायरेक्टर भी, ओनर भी, चलाने वाले भी कंपनी को, और कंपनी में पैसा लगाने वाले भी। क्यों? क्योंकि भैया आज के रेट में जिस तेजी से चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को लगातार दे हैव टू कीप अब्रेस्ट विद दैट, करेक्ट? सो एवर इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटीज इन लॉज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, स्पेशली दोज हु आर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। तो एग्जीक्यूटिव नहीं होते तो उन्हें, एग्जीक्यूटिव है तो वैसे ही कंपनी में घूम रहे हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव कई बार होते हैं तो उस केस में कंपनी में सारी चीजें जो अपडेट होती हैं उनके पास अगर नहीं है तो क्या होगा? तो भैया कंपनी सेक्रेटरी जो है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, वहां वो उनकी हेल्प करेगा कि उन्होंने प्रॉपर कंप्लायंस, प्रॉपर मैकेनिज्म जो है ये किया है या नहीं किया, करेक्ट? सो सेक्रेटरियल ऑडिट क्या ये एक दिन का काम है या थोड़े समय का काम है? नो, जैसा कि मैंने बताया कि यहां पर तो सेक्रेटेरियल के वर्क ही बहुत ज्यादा होते हैं, रेगुलर नेचर पे आपको ये काम करना पड़ता है, तो फिर अगर वो नहीं करोगे तो भैया काम कैसे चलेगा? इसीलिए बिल्कुल इंटरनल ऑडिट जिस तरह से कॉन्टिन्यूस होती है, ये भी कॉन्टिन्यूस बेसिस पर की जाती है। वाई? बिकॉज एवरी नाउ एंड देन वी हैव टू डू कंप्लायंस विद द लॉस। सो इट इज रिकमेंडेड दैट सेक्रेटेरियल ऑडिट बी कैरिड आउट पीरियोडिकली, कि भैया क्वार्टरली करा लो, हाफ ईयरली करा लो, ईयरली करा लो, जैसे मर्जी कर लो, लेकिन अगर आप इसको रेगुलरली कराते रहोगे तो फिर आप फायदे में रहोगे, क्योंकि जो जो फाइंडिंग्स होंगी अगर एडवर्स होंगी तो भी आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताओगे, वो एक्शन लेंगे, अगर सब कुछ ठीक है तो भी आप उनको बताओगे। सो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप कम्युनिकेट करोगे सो दैट दे कैन करेक्ट, टेक दोज करेक्टिव एक्शंस इफ देयर इज एनी एडवर्स फाइंडिंग। सो लगातार करने की जरूरत होती है, अगर ऐसा करेंगे तो भैया आपकी कंपनी को ही हेल्प मिलनी है, कंप्लायंस मैकेनिज्म आपका स्ट्रांग हो जाएगा, प्रोसेसेस आपके स्ट्रांग हो जाएंगे, आपको पता रहेगा हमें समय समय पर क्या जो है कौन से फॉर्म फिलअप करके आरओसी के पास पहुंचाने हैं, किस किस चीज का कंप्लायंस करना है। सो मकसद केवल इतना कि भी जो शेयर होल्डर्स हैं उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, जो मैनेजमेंट है उनके भी इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो, राइट? सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? टू फोल्ड ऑब्जेक्टिव होता है, किनके? स्टेक होल्डर्स के, यानी जनरली शेयर होल्डर इसमें आते हैं, अदर स्टेक होल्डर्स भी हैं, डिबेंचर होल्डर भी एक स्टेक होल्डर ही है, और जो एक्शन होता है वो तो कंपनी और मैनेजमेंट के अगेंस्ट होता है, क्योंकि शेयर होल्डर तो घर पे बैठा है, लेकिन जो लोग मैनेजमेंट में हैं, डायरेक्टर्स हैं, जो कंपनी है उनके ऊपर जो है फाइन लगाए जाते हैं, क्योंकि आपने गलत काम किया या आपने कंप्लायंस नहीं किया, तो उस नॉन कंप्लायंस से बचाती है उसे। ये है सेक्रेटेरियल ऑडिट, और उसका ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा आपके सामने आ गया, टू फोल्ड है। अब क्या ये कंपलसरी है? अभी तक मैंने आपको बताया जैसे कि कंपलसरी नहीं थी, लेकिन एक न्यू रिक्वायरमेंट आ गई है सेक्शन 204, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कंपनीज एक्ट 2013 इसने प्रिस्क्राइब किया, और कुछ रूल्स हैं इसके, उसमें बताया गया, रूल 9 बताएगा इसका कि कैसे कैसे काम करना है, विल डिस्कस दैट कि किन किन कंपनीज पर अप्लाई होता है। सो प्रोविजंस का डिस्कशन शुरू करते हैं, ये देखें
सबसे पहले आपको सेक्रेटेरियल ऑडिट करानी है और उसकी सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट लगानी है। होता क्या है दोस्तों कि जब आपने बोर्ड की कोई मीटिंग की, तो आपकी कंपनी है चाहे वो किसी भी तरह की मीटिंग हो, कोई भी क्लास की मीटिंग हो, उन सबकी पूरी की पूरी डिटेल हमें चाहिए। बोर्ड की रिपोर्ट के साथ साथ सेक्रेटेरियल ऑडिट की भी रिपोर्ट आप साथ में लगाओगे। सेक्रेटेरियल ऑडिट की रिपोर्ट भी यहां पर साथ में लगने वाली है क्योंकि ये अब इतनी जरूरी हो गई है। सो एवरी लिस्टेड कंपनी एंड अदर क्लास ऑफ कंपनीज में प्रिस्क्राइब्ड व्हिच इज रिक्वायर्ड टू एनेक्स द बोर्ड रिपोर्ट। क्या एनेक्स करना है? अ सेक्रेटेरियल ऑडिट रिपोर्ट। तो जब भी बोर्ड्स की मीटिंग होती है तो हर बोर्ड की मीटिंग के अंदर जो डिसीजंस हुए उसके लिए एक बोर्ड रिपोर्ट तैयार होती है, उस बोर्ड रिपोर्ट के साथ सेक्रेटरियल ऑडिट रिपोर्ट भी जाएगी। एप्लीकेबिलिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, रूल 9 बताता है कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल, उसके रूल्स थे 2014 के, और अदर क्लास ऑफ कंपनीज के फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 204। ये दो चीजें आपने याद करनी है। रूल 9 किसका? कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। मैनेजरियल पर्सनल में जब अपॉइंटमेंट होती है तो वहां पर डायरेक्टर्स की भी अपॉइंटमेंट आ रही है, राइट? तो बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स के अंदर ही यहां पर जो इंफॉर्मेशन होती है, जो फॉर्मेट्स देने हमें, ये सब जो है यहां बताए गए हैं। सो अप्लाई किस पर हो रहा है, सवाल हमारे सामने ये है। तो मेरे भाई, सबसे पहली बात, हर वो कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, पेड अप कैपिटल, उस पर अप्लाई होती है। हर वो कंपनी जिसकी टर्नओवर जो है साल में 250 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाए, उस पर अप्लाई होती है। लेकिन हम बात किसी कर रहे हैं यहां पर, केवल पब्लिक कंपनी के, एवरी पब्लिक कंपनी, हर उसके ऊपर ये अप्लाई होती है। यानी प्राइवेट कंपनी पर सेक्रेटरियल रिपोर्ट नहीं चाहिए, ऑडिट रिपोर्ट, राइट? सो हु इज टू कंडक्ट सेक्रेटेरियल ऑडिट, कौन करेगा? पीसीएस करेगा, और कौन करेगा? प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी का ये काम है, और जो भी सारे रिकॉर्ड बनाने होंगे, चेक करने होंगे, वो देखेगा। कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है भैया? जो भी इंफॉर्मेशन उसे चाहिए वो उसे प्रोवाइड की जाए, तभी तो वो रिपोर्ट बना पाएगा, चेक कर पाएगा। सो कंपनी इज टू गिव ऑल द नेसेसरी इंफॉर्मेशन एंड असिस्टेंस सो दैट दिस वेरी पीसीएस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी, वो अपनी सेक्रेटरियल ऑडिट पूरी तरह से कर पाए। बोर्ड रिपोर्ट में उसको जो भी नजर आएगा दोस्तों, उसे लिखना पड़ेगा। बोर्ड इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन इन बोर्ड रिपोर्ट कि भैया अगर सेक्रेटरियल ऑडिट में उसने अपनी रिपोर्ट में कुछ नेगेटिव लिख दिया कि जी यहां पर मुझे ये ऑब्जर्वेशन रही कि यहां पर ये ठीक नहीं था, मुझे ये प्रोवाइड नहीं किया गया, या फिर इन्होंने सही समय पर कंप्लायंस नहीं की, इस कारण से ये बात रह गई, तो भैया जो भी उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, बोर्ड रिपोर्ट में भी उसका जिक्र होगा। बोर्ड वाले भी उसका रीजन देंगे, जी हम आखिरकार ऐसा क्यों नहीं कर पाए, हम ये नॉन कंप्लायंस क्यों कर गए, गलती क्यों हो गई, वो ये बताएंगे, करेक्ट? सो हर तरह की, चाहे वो कोई क्वालिफिकेशन रह गई, ऑब्जर्वेशन थी, एडवर्स रिमार्क, जो भी कंपनी सेक्रेटरी ने अपनी रिपोर्ट में दिया, उसका जिक्र, उसकी एक्सप्लेनेशन कि ऐसा क्यों हुआ, वो बोर्ड रिपोर्ट में डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। तो यह डिस्क्लोज कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे कि भैया हमसे वो लैप्स क्यों हुआ, नॉन कंप्लायंस क्यों हुआ, ठीक है? तो अब जो भी आपकी ये सेक्रेटरियल ऑडिट है, इसके लिए एक फॉर्म बनाया हुआ है, रिपोर्ट का फॉर्म है MR3, उसके अंदर इसे फिलअप करना पड़ेगा, सारी बातें लिखनी पड़ेंगी। और अगर यही कुछ कॉन्ट्रावेंशन होती है सेक्रेटेरियल ऑडिट के लिए, तो भैया कंपनी भी जिम्मेदार है, कंपनी के ऊपर फाइन लगेगा, 1,00,000 रुपए से लेकर के 5,00,000 तक का फाइन लग सकता है, मिनिमम 1,00,000, जो कि 5,00,000 तक जा सकता है। कंपनी पर भी लगेगा, कंपनी का हर ऑफिसर जो है वो भी लायबल माना जाएगा, और जो कंपनी सेक्रेटरी है वो भी लायबल माना जाएगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप इन इंडिविजुअल्स पर जरा डंडा नहीं रखोगे ना, तो ये काम करेगा नहीं। खाली कंपनी की लायबिलिटी होगी तो भैया वो तो शेयर होल्डर के खाते से चला गया, शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया था उसी पैसे में से आपने पे कर दिया। लेकिन यहां पर डंडा किसके सिर पर है? डंडा उन सारे ऑफिसर्स पर भी है जो कंपनी चला रहे हैं, राइट? डंडा उन सारे के सारे कंपनी सेक्रेटरी पर है जो भी यहां पर काम कर रहे हैं। वो जो COP लेकर के आया था प्रैक्टिसिंग, उसने भी नॉन कंप्लायंस की, तो उसके ऊपर भी। सो इफ अ कंपनी और एनी अदर ऑफिसर ऑफ द कंपनी और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, तीनों की बात हो रही है, कंपनी, कंपनी के ऑफिसर्स और कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, अगर इन्होंने किसी भी प्रोविजन को कॉन्ट्रावीन किया, तो हर ऑफिसर कंपनी और ये CS जो भी डिफॉल्टर होंगे, हु इज इन डिफॉल्ट, डिफॉल्ट पता तो लगाना ही पड़ेगा, ये सब पनिशेबल है विथ फाइन, 1,00,000 रुपया मिनिमम,
विच शैल नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज एंड विच कैन बी एक्सटेंडेड टू 5 लाख रुपीज, यहां तक जा सकते हैं, ये है फाइन का अमाउंट। फिर क्या रहेंगे राइट्स, ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, तो भाई जो भी स्टैट्यूटरी ऑडिटर होते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आते हैं, उनकी भी ड्यूटीज थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, ठीक बात है कि नहीं, उनके भी राइट्स थे। सो राइट, ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के थे कि फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को चेक करने आया था, सीए की बात कर रहा हूं जो हमने पहले किया, वहां पर जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी और राइट्स हैं, वो सेम राइट्स ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर इस सेक्रेटेरियल ऑडिटर के भी होंगे। यानी जो ये डिमांड करेगा, इंफॉर्मेशन मांगेगा, तो कंपनी को देनी पड़ेगी। तो कई राइट्स हैं, कई ड्यूटीज क्या बनती है कि हर चीज प्रॉपरली बताए, कुछ गड़बड़ है तो उसको भी डिस्क्लोज करें, राइट, इस तरह से उसकी ड्यूटीज हैं। फिर ऑब्लिगेशन उसका क्या है कि उसकी भैया किसकी तरफ ऑब्लिगेशन बनता है, उसका ऑब्लिगेशन बनता है ओनर्स की तरफ, मैनेजमेंट की तरफ, जो भी गड़बड़ियां उसको बताए, उसको करेक्टिव मेजर्स बताए कि कैसे इसे ठीक करना चाहिए। यानी जो भी उसके अलावा भी जो कंपनीज एक्ट ने इसकी ड्यूटीज राइट्स एंड दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताई, ऑब्लिगेशन बताए, वो सब उसे फॉलो करने पड़ेंगे। सो ऑल प्रोविजन रिगार्डिंग ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर जो उसके थे, वो सेम यहां पर भी अप्लाई होंगे। तो दोस्तों ये जो हमारे प्रोविजन थे ये हमने पढ़े रिगार्डिंग सेक्रेटेरियल ऑडिट, करेक्ट। तो ये दोस्तों काम होता है यहीं पर खत्म, हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में नया टाइप ऑफ ऑडिट लेकर के, तब तक के लिए बाय बाय।